कहाँ से शुरू करें शादी आपसे? हमारे साथ ये कि कोई एक जोड़ा दे दो उसको, आठ नौ तरीके तो हम निकाल ही देंगे। पहले तो ऐसे ये जोड़ा याद है, तो मैं आपके ही शो में पहनकर आई थी, गोल्डन दुपट्टे के साथ, बिल्कुल बहुत प्यारा गोल्ड का दुपट्टा था इसका। ये मेरी माँ की शॉल है, आज मैंने इसके साथ पहन लिया क्योंकि वेदर ऐसा है, बहुत प्यारी है। अच्छा, ये ऐसी कि आप शादी में भी आराम से पहन सकते हैं, और ये बहुत कश्मीरी शॉल है, गर्म है और बारीक काम की, तो मैंने आज अम्मा की शॉल के साथ। मतलब ये जो भी सॉलिड कलर है ना, ये प्लेन कलर, इसको आप इतनी दफा यूटिलाइज कर सकते हैं हमेशा। और इसको तब मैंने पहना था, याद हो तो शॉकिंग पिंक मालाएं मैंने पहनी थी इसके साथ। हाँ। तो और क्या रहा? और थोड़ा वो ईद का था शो या कुछ था ऐसा था, तो उसके लिए हम तैयारी कर आए थे। तो एक तो ये हो गया जो मैंने दिखाया कि जिसको आप किसी भी शॉल के साथ, किसी भी दुपट्टे के साथ, दोबारा जैसे इसी के साथ एक ये दुपट्टा अगर मुझे कहीं जाना हो, दुपट्टा ज्यादा बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट आप उससे किसी भी तरह ड्रेप कर सकते हैं। इसी सूट पे मैंने ये दुपट्टा ले लिया, इतना अच्छा लग रहा है। अब आपका इवेंट अलग है हो गया, बिल्कुल आपका मेकअप अलग हो गया, शॉकिंग पिंक लिपस्टिक, और आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ दुपट्टे पे की, सिर्फ दुपट्टे पे की, सूट आप एक, और हर बार वो सूट जो है नया लग हो जाएगा। अच्छा, और कानों का भी खबर नहीं, इयररिंग्स आपने थोड़े और अलग कलर के पहन लिए, आप ज्वेलरी चेंज कर ले, मेकअप चेंज कर ले, और इसको सर्दियों में पहनना है शॉल के साथ, और कर दिया हैवी शॉल ले ली, तो ये एक दो तो मैंने ऐसे खड़े खड़े आपको बताए कि एक जोड़ा बनाए और उसके साथ कैसे करें। एक और दुपट्टे के साथ आपको ये दिखाती हूँ, इसीलिए मुझे सॉलिड कलर्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद है सॉलिड कलर्स के, आप उनको इतनी दफा यूटिलाइज कर सकते हैं। ये ले, इसके नीचे दुपट्टा वो है, ये मेरे इसके साथ इतना जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसके साथ भी जा रहा है, कभी चेंज करना हो तो। मैं दुपट्टे बड़े शौक से बनाती हूँ और उन पे मेहनत भी बहुत करवाती हूँ, तो समीना बड़ा रगड़ती है बेचारी की, क्या हो रहा है। लेकिन ये तो ये बनवाया था या बना? बना, बनवाया। अच्छा, ये एक ही शो में माशाल्लाह तीन ड्रेसेस नजर आए हैं, तीन ड्रेसेस आपने एक ही वक्त में मेरे देखे, अलग अलग स्टाइल में। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ बड़े प्लेन सी, कुछ वो चीजें जिनके साथ मेरी यादें वापस आए। अब ये जो जोड़ा है, ये जो मैं निकाल रही हूँ ना अजार, ये जब मैं एक्टिंग किया करती थी तब मैंने ये बनवाया था, ये इजार बनवाया था या पूरी शर्ट और वो? नहीं नहीं नहीं, इजार ये मेरा जब मैं एक्टिंग करती थी तब का है, मेरे पुराने मास्टर साहब का, ये मैंने कभी ना फेंका ना दिया, इसके सूट मैंने बांट दिए उसके बाद। और उसकी पसंद होने की वजह क्या थी? कट वाट अच्छा था, कट बहुत अच्छा है, इतना इसका कट आप देखें, उससे पता चल रहा है, ये देखिए कि मैंने कितना इसको पहना है, ये पुराना है। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये दोबारा बनती नहीं है, मतलब कितने वो ओरे पे कटा हुआ है, ये सिलाई, ये मेरा एक सूट बनाया है समीना ने, जिसका ट्राउजर प्लेन, जो प्लेन ट्राउजर के साथ है, ये भी दिखा दूं ताकि लगेंगे, ये स्ट्रेट ट्राउजर के साथ है, ये शर्ट है। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा मैं सजार के साथ पहनती हूँ। अच्छा, वो हैवी लुक आ जाता है ना, थोड़ा सा नीचे घेरे, शर्ट दुपट्टा अलग बनवाया आपने इस इजार को मद्देनजर रखते हुए। जब ये सूट बन रहा था तो मैंने कहा चलो मेरे पास एक इजार है, जो आपको बताऊं, जो आपने कमीज पहनी है ना उसके साथ भी इजार इतना, ये तो सबके साथ जाता है, ये इसी तरह एक हमारा गरारा है, खानदानी गरारा हो गया, मतलब जिसको देखो सादा अपना रेड वाला गरारा दे दीजिए, मैंने कम मतलब हाथ हो गई। पता है जैसे लाइक गोरा जो है वो शर्ट्स और पैंट्स और कोट्स ये मिक्स एंड मैच करता है, अगर हम अपने वार्डरोब में सॉलिड कलर्स रखते हैं, जैसे अभी सादिया ने पहना हुआ है सॉलिड कलर या सॉलिड कलर का इजार है, तो वो बड़ा आप मिक्स एंड मैच, बहुत काम।